हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लो बीट्स इंडिया। मैं आपका अपना जितेंद्र सिंह। आपने बहुत ही प्यार दिया मेरी पिछली वीडियो 9600 मॉडल की जो हमने निकाली थी और अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ चल रही है। उसके अंदर हमने पूरा ब्रीफली आपको बताया था कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उस मॉडल के अंदर क्या क्या खासियत है और वो क्यों आपको परचेज़ करना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसी के साथ हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी, तो टाइम नहीं मिल पाया। बट हमने जो है कोशिश की है कि हम दोबारा ये वीडियो बनाएं एक और नए मॉडल के। तो आज हम बात करेंगे अपने सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की। तो उसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जब आप लोग टीन एज में होते थे या हम लोग भी जब टीन एज में थे तो हम गाड़ियों के अंदर बैठते थे। गाड़ियों के अंदर बैठ के हम जब एक बेस सुनते थे जिसको रोलिंग बेस, डीप बेस कहते हैं, तो वो जो चीज़ थी, जो वाइब्रेशन, पूरी खिड़कियां, दरवाजे, गाड़ियां सब हिलती थी और बाहर से लोग देखते थे कि यार ये क्या चीज़ गली से निकल रही है, तो बड़ा एक अट्रैक्शन आता था। तो बस वो चीज़ मैंने हमेशा मिस की अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने कहा अगर मैं अभी कभी सिस्टम बनाऊंगा तो एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि घरों के अंदर भी वो फील दूंगा। तो उसी के साथ मैंने अपना एक मॉडल निकाला, नाम आपको बता दूंगा, आप समझ ही गए होंगे। तो उसके साथ मैंने उसके ऊपर वर्क किया और मैंने एक मॉडल निकाला। तो मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूँगा। मॉडल की अगर हम बात करेंगे अपना, तो ये देखिए हीरा 2। हीरा 1 निकाला था इससे पहले, तो हीरा 1 की भी आपको वीडियो मिल जाएगी कहीं ना कहीं पर। आप, मैं आज आपके सामने हीरा 2 की बात करूंगा और हीरा 2 प्रो की बात भी करूंगा, तो हीरा 2 प्रो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रोलिंग बेस हमने नाम दिया है। ये हमने नाम दिया ऐसी कोई बेस, मतलब जो है आप सिर्फ अभी तक दो बेस को जानते थे, एक पंच बेस और एक डीप बेस। थर्ड बेस हमने रोलिंग बेस निकाली जो कि आप गाड़ियों के अंदर सुनते हैं। तो आज इसकी हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे, इसके अंदर क्या लगा है वो बताएंगे और ये किस किस को परचेज़ करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी हीरा 2 मॉडल के साथ। तो हम बात कर रहे थे हीरा 2 मॉडल की। हीरा 2 मॉडल की बात करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख पाएँ, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो होती है मेरी कोई भी, जिस वीडियो की मैं बात करता हूँ। तो प्लीज़ आप जो है शेयर भी करें आगे से आगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बात कर रहा था हीरा 2 मॉडल की। हीरा 2 मॉडल की सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। अगर हम हीरा 2 मॉडल की बात करें तो ये वुडन में है। ये मॉडल पूरा हमारा डबल टावर रहने वाले हैं, दो टावर वुडन के अंदर हैं। और सामने जो बात करें तो ये रिंग्स दिए गए हैं 4-4 इंचज़ के अंदर, दो मिड रेंज, दो ट्यूटर्स दिए गए हैं और एयर पाइप देखिए सामने से, इसका एयर पाइप दिया गया। बहुत सिंपल मॉडल बनाया है हमने, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनल का यूज़ नहीं किया गया, सिंपल। देखिए यहाँ पर अगर दिखाएंगे हम लोग, ये कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, पूरे जो है हमारे मोड के फीचर्स हैं, वॉल्यूम का फीचर है और स्कैन का है। यहाँ USB आप लगा सकते हैं और ऑक्स जो है पीछे से यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो ये तो रहा मेरे सामने की बात करें तो सामने के फीचर्स। अब साइड में अगर हम बात करें तो 10-10 इंची के दो सब वूफर्स हैं, एक यहाँ पर सब वूफर दिया गया है, एक यहाँ पर सब वूफर दिया गया है। बट अगर हम बात करें कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट, तो ये सब वूफर्स जो है सब वूफर सर्किट के अंदर है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आज देखिए यहाँ पर जब आप सिस्टम परचेज़ करते हैं मार्केट में या कहीं पर भी, तो आपको सिंगल वायर वाला सिस्टम मिलता है, जैसे कि हमारा हीरा 2 प्रो भी है। मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए दो वायर्स हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब जानने वाली चीज़ है कि यार ये सिस्टम में इतनी मतलब ऐसी कौन सी खासियत है जो लोग इसको लेने के लिए 20-25 डेज़ का वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रोलिंग बेस कैसे आती है, तो देखिए ये इसके अंदर डबल वायर। अब डबल वायर क्यों है, सिंगल भी हो सकती थी, बट डबल इसलिए क्योंकि इसका सर्किट जो है डबल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ की नहीं, बूफर का सर्किट अलग है और अपना जो इसके स्पीकर हैं उसका सर्किट अलग है, एम्पलीफायर सब बूफर सर्किट इसको बोलते हैं। तो यही इसकी खासियत है कि जो हम बोलते हैं कि खिड़कियां, दरवाजे, विंडो वगैरह सब हिला देता है और आस पड़ोस को हमेशा तंग करके रखता है। इसका हम लाइव आज इस वीडियो के अंदर उदाहरण भी देंगे आपको, पूरा आपको जो है टेस्टिंग करके दिखाएंगे इसकी। तो मैंने आपको ये तो बता दिया इसका कि ये डबल सर्किट वाला सिस्टम होता है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके जो है कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये वॉल्यूम है, ये अपना ट्रबल है और ये बेस है। इसके बाद जो है माइक, एक माइक इसके अंदर यूज़ होता है। यहाँ माइक के फंक्शंस दिए गए हैं, इको और ये नॉर्मल माइक का वॉल्यूम है। और अगर हम बाकी बात करें इसके ऑक्स की, ऑक्स इसका पीछे रहने वाला है, ये देखिए ये ऑक्स है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर जो है एक पिन यहाँ लगती है, ये अब पिन जो है ये एक बार कनेक्शंस आपको दिखा देते हैं।
ये यहाँ पर पिन लगती है, ये स्पीकर्स के लिए है। कई लोगों को कनेक्शंस में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं आपको कनेक्शंस भी आप दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने आपको इसका फ्रंट का पूरा बता दिया, इसके सिस्टम्स के बारे में बता दिया आपको, इसके अंदर क्या लगा ये बता दिया फ्रंट में। अब हम बात करते हैं इसके सब वूफर साइड की। यहाँ अगर हम सब वूफर्स की बात करें तो 10-10 इंची के दो सब वूफर्स लगे हुए हैं जो 120 मैग्नेट के हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 120 मैग्नेट के हैं, जबकि हम लोग नॉर्मली जो सब जगह देखते हैं वो सिर्फ 90 मैग्नेट्स के होते हैं, क्योंकि 90 मैग्नेट परफेक्ट होता है। बट ये सिस्टम को हैवी बनाने के लिए, और जो मैं चीज़ देना चाह रहा था रोलिंग बेस वाइब्रेशन, के जब चले तो पता लगे नीचे तक। अब जैसे हम लोग थर्ड फ्लोर में हैं तो पता लगे टॉप में या नीचे तक या आस पड़ोस तक के कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 120 मैग्नेट दिए इसके सब वूफर्स के अंदर, जो कि हम आपको यहाँ से सबवूफर थोड़ा सा दिखाएंगे भी। ये देखिए, ये इसका सबवूफर है, और इसी टाइप से दूसरा भी उस साइड पे सबवूफर है। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट की। तो जैसा कि आपको मैंने बूफर इसका दिखा दिया है कि ये इसका बूफर है, ये देखिए। और अगर हम इस कोन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है रबड़ कोन नहीं है, ये स्पेशल मटेरियल होता है जो कि ये फटता नहीं है ये वाला, जबकि जो आप देखते हैं दूसरा तो वहाँ पर जो है फोम लगी होती है, तो ये फोम का मटेरियल नहीं है, ये कुछ रबर टाइप का सिलिकॉन टाइप का मटेरियल है ये वाला, जिसकी वजह से क्या जंप लेते लेते ये जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बनती है और इसकी लाइफ अच्छी रहती है। तो हम इसको खोल के भी आपको दिखा देते हैं एक बार बूफर को, कि बूफर की मैग्नेट 120 है तो 120 मैग्नेट का बूफर कैसा होता है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं एक बार। तो मैं इसका बूफर आपको खोल के दिखा रहा था कि 120 मैग्नेट का बूफर हमने लगाया है, तो एक बार बूफर देख लेते हैं इसका कितना हैवी है और ये क्यों इतना हैवी बेस जो है प्रोड्यूस करता है, उसका क्या रीज़न है। तो सर्किट भी दिखाऊंगा, हम बूफर इसका खोल लेते हैं। ये देखिए, ये 120 मैग्नेट का बूफर दिया गया है, जबकि नॉर्मली जो है 90 मैग्नेट होता है, जिसको जो कि इतना मैग्नेट होता है, तो ये 120 मैग्नेट है जिसकी वजह से इतना हैवी जो ये साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। और बीच में ये देखिए कैप दी गई है यहाँ पर, ताकि जो है कुछ भी डस्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ अंदर ना जाए जो कि कॉयल में जाके लगेगी। और अगर हम बात करें तो इसको हम स्पाइडर बोलते हैं। ये देखिए, ये जितना सॉफ्ट होगा उतनी ज़्यादा ये जंप करेगा, ये जो वूफर होता है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो मैं इसको पैक कर देता हूँ इसी के साथ, और आपको जो है इसके बाद इसका सर्किट भी खोल के दिखाता है कि सर्किट इसके अंदर कैसा लगा हुआ और क्या सर्किट का डिज़ाइन है। तो मैंने सब वूफर इसका आपको खोल के दिखाया कि सब वूफर इसका 120 मैग्नेट का है। अब इसकी खासियत कि आपको ये क्यों परचेज़ करना चाहिए, मार्केट के अंदर आपको हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, होम थिएटर्स मिल जाएंगे, बट ये क्यों खास है और क्यों लोग इसके लिए 25-25 दिन का वेट करते हैं, और NCR में कोई हमारी शॉप पे आता तो एक हफ्ते की जो है वेटिंग के बाद वो लेके जाता है। तो इसकी खासियत ये है कि जब आप सिस्टम परचेज़ करते हैं कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि जब आप वॉल्यूम स्लो कर देते हैं तो बेस ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, यानी जो है फुल वॉल्यूम पे तो आपको बेस मिलता है, पंच बेस मिलता है, बट अब जब वॉल्यूम जैसे जैसे डाउन कर देंगे बट बेस जीरो हो जाएगा। ये सिस्टम बिल्कुल उसके उलट है। इसके अंदर क्या है कि जब आप वॉल्यूम स्लो करते हैं, अब आपने हाफ वॉल्यूम कर दिया, हाफ से भी आप कम में ले जाएंगे नहीं, जिसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़िया है, यानी आपको बिल्कुल कम के अंदर भी ये पूरा बेस देगा। जी बिल्कुल, ये पूरा बेस देने का मतलब ये कि आपने इसकी अगर वॉल्यूम स्लो कर दी, बिल्कुल कम कर दी, तो आपको बेस का ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि बेस खत्म हो गई है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और दूसरी चीज़ जो है आपको रोलिंग बेस बार बार बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरा पूरा जो है ये वुडन पैनल का बना हुआ है और ये प्लास्टिक पैनल लगा हुआ पूरा, तो ये पूरा वाइब्रेट करेगा और खिड़कियां भी वाइब्रेट करेंगी। तो ये इसकी खासियत है कि इसकी वाइब्रेशन पावर जो है काफी हाई दी गई है इसके अंदर, जो बूमिंग जिसको हम बोलते हैं, वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या इसको कस्टमर बहुत पसंद करते हैं इस सिस्टम को। तो मैं हीरा 2 को पीछे से खोल चुका हूं, एक बार आप पीछे से एक बार दिखा दीजिए। इसका जो पैनल है यहां पर ये वुडन में हमने दिया हुआ है और यहां इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो एक बार इसको खोल के हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये इसका जो है ट्रांसफार्मर है, काफ़ी हैवी दिया गया है इसके लिए, और अंदर से भी आप देख लीजिए पूरा ये सिस्टम जो है पूरा इसके अंदर आपको दिखा देते हैं यहाँ। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये इसकी जो है हीट सिंक दी गई है यहाँ पर, और ये ऑक्स का दिया गया है, ये फिल्टर्स दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े फिल्टर्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो जो कि बेस को इन्हेंस करते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर सिस्टम को, और इसकी हम टेस्टिंग आपको करके दिखाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो वुडन की थिकनेस है वो 11.5 mm दी गई है यहाँ वुडन की थिकनेस, ये जो कैबिनेट की थिकनेस होती है, जो कि इसकी जो बेस को है और इन्हेंस कर देती है, बेस को बहुत बढ़िया कर देती है, और आपको जो वाइब्रेशन का और एक बेस का बहुत अच्छा आपको फील मिलता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं एक बार, फिर आपको आगे का इसका बताता हूँ मैं, इसका क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो मैंने ऑलमोस्ट इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं आपको इसको कनेक्शन करा के इसको ऑन करके आपको इसका टेस्टिंग देने जा रहा हूँ, और आपको लाइव दिखाऊंगा कि हाँ भाई जो जब ये चलता है तो क्या माहौल बनता है और कैसा दिखता है। तो एक बार हम इसको जो है कनेक्शंस इसके करते हैं हम लोग। अब कनेक्शंस करने में दो चीज़ें होती हैं हमेशा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये कनेक्ट किया,
यहाँ पर मैंने वायरिंग लगाई ब्लैक वाली ब्लैक में और वाइट वाली रेड में लगा दी, और ये स्पीकर्स की वायरें ये मैंने यहाँ लगा दी। अब कई बार क्या होता है कि ये लगाने के बावजूद हम सिस्टम चलाते हैं जब, तो बेस नहीं आती और आवाज़ हमें लगता है कि फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही। तो उसका रीज़न क्या होता है कि ये वायर कई कभी कभार गलत लग जाती है, या कि नहीं प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में लग जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इसको जो है कनेक्शन इसके चेंज कर सकते हैं यहाँ से वहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे करके। बट वो पहले आपको देखना है कि इसका वॉल्यूम कैसा आ रहा है, या कि अगर आप इसको जैसे वॉल्यूम अगर इसकी बेस ख़राब आ रही है तो आप इसको निकाल लेंगे तो देखेंगे कि सिंगल टावर चलने लगेगा, सिंगल टावर में बेस बढ़िया आ रही है। और जैसे ही आप इसके कनेक्शन गलत लगा देंगे तो दोनों की बेस खत्म हो जाएगी। तो उससे आप समझ जाइएगा कनेक्शन हमारे गलत हैं, आप जो है उसको रिवर्स कर लीजिए कनेक्शंस को। तो इसको मैं कनेक्शन एक बार फिर दोबारा लगा देता हूँ, हम इसको जो है प्ले करते हैं और इसकी साउंड की टेस्टिंग करते हैं कि साउंड इसका कैसा रहने वाला है, क्या वो बेस का फील है या नहीं है। तो चलिए हम चलाते हैं इसको। तो मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है हीरा 2 को, तो मैं इसकी आपको साउंड टेस्टिंग करवाता हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हेडफोन आप जरूर लगा लीजिए ताकि आपको साउंड का इसका बेटर पता लग पाए। और इसी साउंड के अंदर मैं आपको जो है विंडो को वाइब्रेट होते ज़रूर दिखाऊंगा और आप उसका भी मज़ा लीजिए और आपको पता लगे कि हाँ भी क्यों हमारा सिस्टम जो है मार्केट से हट गया। तो चलिए मैं टेस्टिंग करता हूँ, दो तीन साउंड सॉन्ग्स के अंदर जो है NCS के अंदर इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग। और टेस्टिंग करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके अंदर 5.0 एडवांस ब्लूटूथ है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है, जिससे कि क्या होता है कि लेटेंसी और जो हमारी कनेक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और बहुत कम टाइम के अंदर जो है कनेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है तो मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको जो मैंने वो बात बताई थी कि कनेक्शंस उल्टे जो हो जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी इसके अंदर बेस बिल्कुल नहीं आ रहा। प्लीज़ आप हेडफोन लगा के रखिए, आपको पूरा जो है इस टाइम पता लग रहा होगा। तो मैं इसके कनेक्शन जो है चेंज कर देता हूँ एक बारी। ये मैंने सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए बताया है कि इस टाइप से करने से क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यार मुझे सिस्टम मिला उसमें बेस नहीं आ रही। तो बेस ना आने का रीज़न यही है, मैंने जो है ये वाला कनेक्शन वहाँ, वो वाला कनेक्शन यहाँ कर दिया। तो एक बार मैं इसको फिर दोबारा प्ले कर देता हूँ और अब देखते हैं इसकी बेस में क्या मज़ा रहने वाला है। मैं आपको आज अपनी इस वीडियो के अंदर एक टेस्टिंग देने जा रहा हूँ, विंडो शेकिंग की टेस्टिंग, जो है पूरी खिड़की हिलते आपको दिखाऊंगा। तो एक बार प्ले कर देते हैं और आपको पूरा लाइव टेस्ट देते हैं हम लोग। तो सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया है, हेडफोन ज़रूर लगाइएगा, आपको जो है पता लग पाएगा पूरा कि क्या जो है पूरी हमारी खिड़कियाँ कैसे हिलती हैं, दरवाजे कैसे वाइब्रेट होते हैं। आपको सिस्टम जो चलता हुआ दिखाते हैं एक बारी। अब एक टेस्ट और आपको देने जा रहा हूँ कि स्लो वॉल्यूम के अंदर इसका बेस कैसा रहता है, कि वाकई में स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस आता है कि नहीं आता। चलिए एक बार ये भी टेस्ट देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने वॉल्यूम जो है पूरा स्लो कर लिया है एक बार, इतने वॉल्यूम पे आप टेस्ट कर लीजिए एक बार इसको, और हेडफोन लगा के जरूर रखिए, आपको पता लग पाए कि बेस आ रहा है कि नहीं आ रहा स्लो वॉल्यूम के अंदर। देखा
देखा आपने स्लो वॉल्यूम के अंदर भी जो मैं बोलता हूँ लोअर फ्रिक्वेंसी या कि नहीं स्लो कम आवाज़ के अंदर भी आपको पूरा बेस मिलता है, जबकि आप मार्केट के जो सिस्टम सुन लेते हैं जहाँ पर भी आप सिस्टम परचेज करते हैं वहाँ आपको स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस नहीं मिलता। ये भी मेरा हमेशा जो है हमेशा से एक चैलेंज रहा है कि आप लोग जो है किसी भी सिस्टम को मेरे इस सिस्टम से जो है बीट करें, अपना कंपेयर करें और टेस्टिंग करें और दोनों को कॉम्पिटिशन करके इसको बीट करके दिखाएँ ताकि मैं और बेटर चीज़ बना पाऊँ आगे। और हम इसी चीज़ में लगे रहते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हमारा सारा ध्यान जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है इंप्रूव करने में लगा रहता है। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा खुद के साथ कंपटीशन है कि मैं हर टाइम जो है एक बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट आपको दे पाऊँ। दिन रात हमारा इसी में जो है काम चलता रहता है और हम कोशिश करते हैं एक अच्छी से अच्छी चीज़ आप तक लेके आए ताकि आपको जो है हमारा फ्लो बीट्स के अंदर इंटरेस्ट आपका बना रहे और आप लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है और हम इसी के साथ जो है अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो हीरा 2 के बाद हीरा 2 प्रो की बात करते हैं। हीरा 2 प्रो में जो है कॉर्डलेस माइक दिया गया है और वो भी पूरी क्वालिटी के साथ है। कॉर्डलेस माइक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, हमिंग बिल्कुल नहीं आती इसके अंदर, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं है, वही सारे सेम फीचर्स के साथ है। बट अगर मैं बेस की बात करूं तो इसके अंदर जो है उससे बेस का जो सिग्नेचर है वो थोड़ा हटके है, उसके अंदर फुली रोलिंग बेस है, वाइब्रेशन बेस है, जबकि इसके अंदर जो है हमने 50-50 की रेशो डाली है, 50% पंच बेस और 50% रोलिंग बेस है। तो मैं आप ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ताकि किसी को जो है किसी में मिथ ना रहे किसी किस्म की। तो इसके अंदर 120 का जो 120 मैग्नेट का वूफर दिया गया है दोनों तरफ और मैंने आपको इसका साउंड सिग्नेचर भी बता दिया है। बाकी हम दोनों सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये 950 स्क्वायर फीट एरिया में चल रहे हैं, तो इसका मतलब एक 100 गज के घर के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। आप इसको 150 गज तक भी चला सकते हो और फुल वॉल्यूम में बिल्कुल नहीं चला सकते क्योंकि बहुत हैवी सिस्टम्स दिए गए हैं, एक एक जो कंपोनेंट बहुत हैवी लगाया गया है। तो आपको जैसा भी आप मेरी बाकी वीडियो के अंदर, मैंने बहुत वीडियो के अंदर लाइव टेस्ट दिए हैं इसके, बाकी जो कस्टमर हमारे पास आते हैं हमारे वेयर हाउस में आते हैं वो भी यहाँ पर सुन के जाते हैं। तो आप जो है आपको स्क्रीन के अंदर मेरे दोनों नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाके भी जो क्वेरी कर सकते हैं हमारे सिस्टम्स की और वहाँ से परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप के दोनों नंबर हैं। और दूसरा जो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हमारा flowbeats3 है जो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी खुद की वेबसाइट है flowbeats.in, वहाँ पर जाके आपको FTS 10, FTS 20 और FTS 05 और FTS 30 मॉडल मिल जाएगा और 017, 015 मॉडल मिल जाएंगे। तो 5 मॉडल आप हमारे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आपको उसके अंदर करना क्या है, आपको कैसे जाना, आपको सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको जो है गूगल पे जाके flowbeats.in सर्च करना है, flowbeats.in मैं यहाँ से कर देता हूँ सर्च, उसके बाद flowbeats.in आपको जो है नीचे दिखाएगा, उसके अंदर जाके ये flowbeats.in की वेबसाइट ऑन हो जाएगी, वहाँ पर जो है आपको मेरे सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। आपको जो है हमारा FTS 05, FTS 10, FTS 20, FTS 30 और 015, 017 मॉडल मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद जो है आपको आपके घर आपके सेम एज इट इज जैसे हम अपने एंड से भेजते हैं वैसे ही आपको आएगा, मेरे यहीं से आएगा। तो जल्दी से मेरी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से भी ऑर्डर कीजिए। इसी के साथ जो है तो ये अपना हीरा 2 प्रो है। हीरा 2 प्रो को मैं माइक के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, चाहता तो मैं आपको यहाँ पर सिंगिंग भी करके दिखा सकता था पर कॉपीराइट इशू होगा तो इसलिए मैं आपको सिंगिंग नहीं करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग जो है NCS सॉन्ग प्ले करने के पीछे पीछे जो है यहाँ पर आवाज़ बोल भी सकते हैं। तो पहले मैं आपको वैसे ही प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, तो आपको मेरी आवाज़ आ ही रही होगी माइक के अंदर और ये सिस्टम के अंदर, इस टाइम ये माइक चल रहा है। तो चलिए मैं आपको जो है सॉन्ग प्ले करने के बाद जो है अपना साथ साथ में इसको भी जो माइक को भी पीछे बोलूंगा ताकि आपको इससे ये पता लग जाए कि ये कैरियोके सिस्टम भी इसके अंदर वर्क करता है पूरा बढ़िया तरीके से प्रॉपर और विदाउट एनी डिस्टॉर्शन एनी नॉइज। तो चलिए हम प्ले करते हैं एक बारी। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो है हीरा 2 प्रो के अंदर सिंगिंग कर सकते हैं और माइक की क्वालिटी भी आप देख पा रहे होंगे अगर आपने हेडफोन लगाया कि कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है माइक के अंदर। तो ये मेरा हीरा 2 प्रो निकालने का यही मकसद था क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स की क्वेरीज थी कि हीरा 2 के अंदर माइक भी दीजिए। तो हीरा 2 के अंदर मैंने हीरा 2 प्रो के अंदर माइक दे दिया है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, सारे फंक्शंस बता ही दिए हैं, सिर्फ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम सिस्टम्स को कॉर्नर पर क्यों लगाते हैं और आपको क्यों बोलते हैं सिस्टम को कॉर्नर पर आप प्लेस करिए। सिस्टम कॉर्नर में प्लेस करने का मकसद ये होता है कि जो बेस होती है वो हमेशा
सराउंड होकर निकलती है। तो जब सराउंड होती है तो चारों कॉर्नर से ऐसे करके पूरी सराउंड होकर निकलती है और एक एंगल में जाके मिलती है, तो वहां आपको जो है बेस का पूरा बढ़िया एहसास मिलता है। और एक बेस जो होती है उसके साथ साथ जो है फ्लोर से ऐसे निकलती है। तो इस टाइप से जो है अगर आप कॉर्नर के अंदर सिस्टम को जो है प्लेस करते हैं तो मतलब कम से कम 30% जो बेस वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत बढ़िया फील आता है बेस का और आपको मजा आता है सिस्टम सुनने के अंदर। तो अगर आपके घर में भी सिस्टम पड़े हैं तो हमेशा आप उसको कॉर्नर में रखिए। अभी आप चेक जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आप सिस्टम को कॉर्नर में रखिए और आप देखिए कि मजा आ जाएगा। और कमेंट्स के नीचे जरूर बताइए कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो कितना काम करती है और किस किस के साथ ये काम किया है। और ये प्लीज अपनी ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, flowbeats3 मेरा इंस्टाग्राम है और मैंने अपना वेबसाइट भी बता दी है, वहां से भी आप मेरे मॉडल्स परचेज कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब जो है उसको भी आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे जो है और ज्यादा हौसला मिले और मैं इसको जो अपने यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँ और आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लेके जाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी अब जो है हीरा, स्मॉल हीरा के ऊपर और FTS 20, FTS 10 के ऊपर। तो वीडियोज आती रहेंगी मेरी एवरी वीक, तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।